आदाबर से आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खेरे का बयान, शिवसेना फिर से होगी ताकतवर, शिवसेना की असल ताकत है शिवसैनिक। कारोबार में मियार जरूरी, कलेक्टर सुनील चौहान का बयान, लोक राजा राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जयंती का पुरजोश इनेकार। और सिल्लोर में शिंदे सेना की हिमायत में जबरदस्त रैली, कारकुनों में देखा गया जबरदस्त रद्द अमल। अब खबरें तफसील से। जिले के लोग शिवसेना में अब भी यकीन रखते हैं। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम फिर से मजबूत खड़े होंगे और दोबारा भगवा परचम रियासत में लहराएंगे। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे ने इतवार को शिवसेना की तरफ से मुनक्कदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना के किरदार को वाजह किया। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे, मराठवाड़ा सेक्रेटरी एडवोकेट अशोक पटवर्धन, राबता सरबरा त्रंबक कुपे, जिला सरबरा MLA अंबादास दानवे, साबिक मेयर नंदकुमार गोरेले, असेंबली कन्वीनर राजू वैद्य, अशोक शिंदे और बड़ी तादाद में शिवसैनिक इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। शिवसेना कधी संपत नाही, ऐका ऐका ऐका, अनेक सेना आल्या, माननीय बाळासाहेबांच्या वेळेस सुद्धा 80 सेना आल्या, 80 सेना आल्या, 80 संपल्या, पण शिवसेना कधी संपली नाही। अभेद आहे, जगदंबेचा आशीर्वाद बाळासाहेबांना आहे, कुटुंबाला त्यांच्या, आणि म्हणून या ठिकाणी सांगतो की जे जे कोणी गेले असतील त्यांना आणण्याचा आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करू। ते नाही आले तर ते तिकडे जातील, नवीन कार्यकर्ते तयार होऊ लागले। अनेकांना वाटतं की यांनी माझी खुर्ची अडकून ठेवली, आम्हाला काही मिळतं यांनाच मिळते, असे कार्यकर्ते सुद्धा आहेत आणि आता संपूर्णपणे त्या ठिकाणी। पण एक आहे, शिवसेना प्रमुखांचा फोटो त्यांचं नाव वापरून जर कोणीकडे असेल ते आम्ही ते सहन नाही करणार। कालचा आम्ही कालचा जो काही आमचा आम्ही ठराव केलेला आहे त्या ठरावामध्ये स्पष्टपणे कार्यकर्त्यांनी ठरलेला, कार्यकर्त्यांनी जर ठराव हा इलेक्शन कमिशनपर्यंत जातो, विधानसभा अध्यक्ष विधान परिषद अध्यक्ष त्यांच्यापर्यंत जातो आणि त्यामुळे तो जो आहे तर ते संपूर्णपणे तिथे जर आहे तर त्या दृष्टिकोनातून पक्ष हा महत्त्वाचा आहे आणि पक्षाचा दृष्टिकोन हे मान्यच करावं लागतं। आणि म्हणून तुम्हाला सांगतो की ते नाव घेऊ शकत नाही। पूर्वी राज ठाकरे याचेच नाव घ्यायचे, फोटो ठेवायचे, साहेबांनी स्वतः सांगितलं माझा फोटो ते ठेवायचा आणि तुझा पक्ष भेटायचा। आणि म्हणून मला या ठिकाणी सांगायचं की आम्ही आमचा म्हणजे शिवसेना पक्ष हा बाळासाहेबांनी निर्माण केलेला आहे, स्थापन केलेला आहे, आज उद्धव साहेबांना संपूर्णपणे मान्यता शिवसैनिकांनी दिलेली आहे। शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून त्यांच्याच नेतृत्वाखाली काम करायचं, म्हणून उद्धव साहेबांना स्ट्रॉंगली त्या ठिकाणी मदत करायची सगळे कार्यकर्त्यांनी ठरवलेलं आहे। आणि कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पुढे गडबडी तर काय, पण जे ज्यांना जायचं त्यांनी आत्ता चालू लावा, पण कोणीही त्या ठिकाणी आमची घाण निघून जाईल, आमची क्लीन शिवसेना राहील हा उद्देश आहे। गेलेल्यापैकी अनेकांचं मत जवळपास संजय राऊत साहेबांनी सांगितलं 20-21 जण त्या ठिकाणी तयार आहेत यायला। तुमच्या माहिती असतो त्या ठिकाणी इतका बंदोबस्त या ठिकाणी भाजपाच्या सरकारने लावलेला आहे, इतकं कडक बंदोबस्त लावला, त्यांना कुठे जाऊच देत नाही बाहेर, म्हणून ते त्रस्त झाले। आणि ते 21-21 जण यायला तयार आहेत हे निरोपण येतात, अनेक नेत्यांच्या समोर वेगवेगळे प्रमाण होत आहेत, पण मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगतो की जे येत असतील तर त्यांनी लवकरात लवकर आलं पाहिजे, त्यांचा मानाचा मान स्थान तसंच राहील आणि म्हणून ते आलं पाहिजे अशी भूमिका त्या ठिकाणी आमची आहे। पण काही जास्त दिवस लावले तर आम्ही ते मग त्यांचं। सिल्लोर में वजीर मुमलिकत बराए महसूलात व दहित रकी अब्दुल सत्तार की हिमायत में एक अजीमुशान रैली निकाली गई। इस वक्त वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार के हामियों के ताकत का ज़बरदस्त मुजाहरा देखने को मिला। रैली में कारगिलों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार ने वजीर एकनाथ शिंदे की वजह से शिवसेना में शमूलियत अख्तियार की और अगर वो नाराज़ हैं तो आज हमें उनके पीछे मजबूती से खड़े होने की ज़रूरत है।
रैली वजीर मुमलिकत अब्दुल सत्तार के राबता दफ्तर से प्रियदर्शन चौक तक निकाली गई। रैली का आगाज़ छत्रपति शिवाजी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूलों की चादर चढ़ाकर और राजश्री शाहू महाराज को उनके यौम पैदाइश पर मुबारकबाद देते हुए की गई। इस मौके पर मौजज़ीन ने अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त शिवसेना के अहदेदारान बड़ी तादाद में मौजूद रहे। सहकारी त्यांनी विकास कामांमध्ये खोळा घालण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे। तरी सुद्धा आपले आमदार अब्दुल सत्तार साहेबांनी साहेबांचे संबंध सर्वकडे असल्या कारणाने आणि एकनाथ रावजी शिंदे साहेबांचा खंबीर पाठिंबा असल्या कारणाने त्या ठिकाणी आपले विकास कामांमध्ये जास्त अडचणी आले नाही। म्हणून आपण हजारो कोटी रुपये आपल्या मतदारसंघात आणलेले आहेत। आपण त्या ठिकाणी जी काही परिस्थिती आज निर्माण झालेली आहे महाराष्ट्रामध्ये गावामध्ये प्रत्येक प्रत्येक तळागाळातल्या माणसापर्यंत पोहोचण्याचं काम साहेब करतात। त्याची अडीअडचण जाणून घेण्याचं काम साहेब करतात। त्याची अडीअडचण दूर करण्याचं काम सुद्धा साहेब करतात। आपल्या सर्वांना माहिती आहे। म्हणून आपण सर्व या ठिकाणी उपस्थित असलेले साहेबांच्या प्रेमापोटी साहेबांच्या जे काही सुखा दुःखामध्ये आपण उपस्थित राहतात हजर राहतात शिवसेना यूथ फ्रंट ने औरंगाबाद में शिवसेना के बागी एमएलए के खिलाफ क्रांति चौक पर एहतजाज किया। शिवसेना यूथ फ्रंट ने औरंगाबाद में शिवसेना के बागी एमएलए के खिलाफ क्रांति चौक पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस एहतजाज की क्यादत यूथ फ्रंट के नागेश थोरात ने की। आज महाराष्ट्र मध्ये जे बंडखोर आमदार एकनाथ शिंदे साहेब ये उद्धव साहेबांना सोडून गेलेत यांचा आम्ही जाहीर निषेध करतो। आज मुंडन करून यांचा निषेध केलेला आहे। आम्ही महाराष्ट्राचे लाडके मुख्यमंत्री उद्धव साहेब ठाकरे साहेब यांच्या सोबत आहे। महाराष्ट्रामध्ये पूर्ण जनता उद्धव साहेबांसोबतच राहणार आहे। संभाजीनगर युवा सेनेतर्फे महाराष्ट्रावर जे घडामोडी चालू आहे 4-5 दिवसापासून एकनाथ शिंदे गटाच्या विरोधात हे आंदोलन होतं। एकनाथ शिंदे यांनी जी कारवाई केलेली आहे ज्यांनी हा भूकंप करून टाकलेला शिवसेना सामान्य शिवसैनिक एकदम हैलावून गेलेला आहे त्याच्या विरोधात हे मुंडन आंदोलन झालेलं आहे। कोरोना वबाई दौर में पाबंदियों के चलते हर मजहबी प्रोग्राम पिछले 2 सालों से मुतासिर हुए थे, लेकिन इस साल तमाम पाबंदियों को हुकूमत ने हटा दिया। उसके चलते आज खुल्दाबाद में उर्स तकरीब का इनेकाद पूरे अहतमाम से किया गया। खुल्दाबाद तालुके के सोली भंजन में हजरत शाह जलालुद्दीन गंजे रवा दरगाह के जुलूस में सैकड़ों अकीदतमंदों ने आज उर्स में शिरकत की। कोरोना की वजह से लगाई गई पाबंदियों के बायस संदल के जुलूस पर गुज़िश्ता 2 साल से पाबंदी आयद थी, ताहम इस साल संदल का जुलूस पूरे रिवायती अंदाज में मनाया गया, जिसमें शहर और गर्द व नवाह से सैकड़ों आज़ादार हजरत बुरहानुद्दीन गरीब दरगाह पर जमा हुए थे। हर साल दरगाह हजरत बुरहानुद्दीन से जुलूस निकाला जाता है। संदल के जुलूस के मौके पर दरगाह कमेटी के चेयरमैन सलाहुद्दीन हफीजुद्दीन, वाइस चेयरमैन शेख आसिफ, सेक्रेटरी शेख शफीउद्दीन के अलावा बशीरुद्दीन, कमरुद्दीन नवाब और शहर के सैकड़ों अकीदतमंद बड़ी तादाद में मौजूद थे। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नाज़रीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। हर किसी को कारोबार में मियारी मसनूआत और खिदमात को तरजीह देनी चाहिए। ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने नौजवानों को सिर्फ कारोबार और खिदमत के शोबे में कामयाब होने का मंत्र दिया। कारोबार, सेहत, ज़िरात और सेल्स मार्केटिंग में मियार को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। मियारी खिदमात और मसनूआत की मार्केट या सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मांग है, इसलिए हर किसी को कारोबार में मियारी मसनूआत और खिदमात फराहम करने को
तरजीह देनी चाहिए। जिला कलेक्टर चौहान ने कहा कि कारोबार और खिदमत तभी कामयाब हो सकती है। राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जानिब से यादगार सदसाला फेस्टिवल छत्रपति शाहू महाराज रिसर्च ट्रेनिंग एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी सारथी और जिला स्किल डेवलपमेंट की जानिब से राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जयंती का इफ्तिताह करते हुए सुनील चौहान ने यह बात कही। इस मौके पर सारथी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्रीकांत देशमुख, रेसिडेंट डिप्टी कलेक्टर मुंदार वैद्य, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शुभ केमिस्ट्री के हेड भास्कर साठे, असिस्टेंट कमिश्नर कलेक्टेरिएट के अफसरान और मुलजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम की शुरुआत में सुनील चौहान ने राजश्री छत्रपति शाहू की मूर्ति को फूलों की चादर चढ़ाकर सलाम पेश किया। प्रोग्राम का तारुफ वर्दी ने किया, जबकि संजू साठे पाटिल ने निजामत के फराइज बहसों को भी अंजाम दिए। छत्रपति शाहू महाराज जयंती के मौके पर महकमे समाजी इंसाफ और खसूसी इमदाद की जानिब से समाजी इंसाफ का दिन मनाया गया। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने डिंडी को हरी झंडी दिखाई। डिंडी में शामिल शिशु विहार, छत्रपति शाहू महाराज कॉलेज और राष्ट्रीय सेवा योजना कॉलेज के तलबा ने छत्रपति शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के नारे लगाए। आज राजश्री शाहू महाराजांची जयंती आहे। 26 जून 1875 छत्रपतींचा जन्म झाला होता। मुख्यतः शाहू महाराजांचं कार्य म्हणजे शिक्षणाच्या संदर्भात, शेतकऱ्यांच्या संदर्भात, सिंचनाच्या संदर्भात अनेक अशा बहुमोल योजना त्यांनी राबवल्या आणि सगळ्या समाजाला शिक्षणाच्या माध्यमातून नवीन दिशा देण्याचा प्रयत्न राजश्रींनी केला। एक छत्रपती असूनही समाजामध्ये, सगळ्या समाजामध्ये समानतेची भावना निर्माण करण्यामध्ये छत्रपती शाहू महाराज, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा खूप महत्त्वाचा वाटा आहे। मी सगळ्या नागरिकांना आवाहन करतो औरंगाबाद जिल्ह्यातल्या की त्यांनी ही जयंती उत्सवात साजरी करावी आणि छत्रपतींनी जे विचार मांडले समाजाबद्दल की आपण समाजामध्ये भेदाभेद न करता सर्वांनी एक होऊन या समाजाच्या, या राज्याच्या, देशाच्या प्रगतीसाठी एक असलं पाहिजे। धन्यवाद। श्री शाहू महाराज के यौम पैदाइश के मौके पर मिल कॉर्नर इलाके में वाक़ शाहू महाराज के मुजस्मे को आज कई तंजीमों, पार्टियों और सरकारी नीम सरकारी दफातर के जानिब से सलामी पेश की गई। राजश्री शाहू महाराज के यौम पैदाइश के मौके पर संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल और शिक्षण महर्षि माधवराव बोर्डे प्रतिष्ठान ने मुश्तरका तौर पर शहर के सैकड़ों ज़रूरतमंद तलबा में स्कूली सामान तकसीम किया। इतवार को मिल कॉर्नर में मुनक्कत किए गए इस प्रोग्राम में संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल के सदर मिठाबाई बोर्डे ने ज़रूरतमंद और होनहार तलबा में स्कूल किट्स तकसीम की और राजश्री शाहू महाराज को मुनफरद अंदाज में सलाम पेश किया। तकसीम की गई किट में बैग, स्कूल की किताबें, कलम, किताबें, रजिस्टर और दीगर सामान शामिल है। इस किट में तलबा के लिए स्कूल का काफ़ी सामान शामिल है। संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल के नायब सदर कमलेश बोर्डे, सेक्रेटरी धनंजय बोर्डे, कांग्रेस के अकबाल सिंह गुल, अरुण सिरसाट, सहाफ़ी शेखर मगर, मंजरी बोर्डे, रजनी बोर्डे, प्राजक्ता भ्रासकड़े, पूनम शोभाले, प्रेरणा भ्रासाकड़े, सेक्रेटरी एडवोकेट धनंजय बोर्डे ने स्कूल लिटरेचर में 12वीं जमात पास करने वाले होनहार तलबा को संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल से राबता करने की अपील की है। आज राजर्षी छत्रपति शाहू महाराज यांच्या जयंती निमित्त शिक्षण महर्षी माधवराव बोर्डे प्रतिष्ठान व संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडळ या दोन्हींच्या संयुक्त विद्यमाने इथे जयंतीचा उपक्रम राबविण्यात आला। जयंतीचे उत्साह साजरी करण्यात आले। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की छत्रपती शाहू महाराजांसारखा राजा होणे नाही, म्हणून शाहू महाराजांची जयंती ही सणासारखी साजरी झाली पाहिजे। तर त्यांच्या विचारांना अनुसरूनच इथे आम्ही जसं सणाच्या दिवशी आपण गोडधोड खातो, म्हणून आम्ही इथे मिठाईचं वाटप करण्यात आलेलं आहे प्रतिष्ठानच्या वतीने। तसेच प्रतिष्ठानच्या वतीने विद्यार्थ्यांना आणि सामाजिक कार्यकर्ते, जसं आता ॲडव्होकेट बनकर आहेत आणि हा मिथिला, या मुलांना सर्वांना नवीन कपडे प्रतिष्ठानच्या वतीने, ज्यावर जे चित्रकार जोगदर साहेब आहेत त्यांचा मॅसेज आहे ईव्हीएमच्या विरोधातला, ते नवीन कपडे टी शर्ट प्रिंट करून, या प्रकारचे टी शर्ट प्रिंट करून हे वाटप करण्यात आलेले आहे। आणि तसेच शाहू महाराजांच्या जन्मदिनानिमित्त गरजू व हुशार विद्यार्थ्यांना आम्ही इथं मोफत एज्युकेशन किट, म्हणजे एक वर्षभर पुरेल एवढं शैक्षणिक साहित्य त्या किटमध्ये दिलेलं आहे। आणि त्याप्रकारे आज 26 तारीख असल्यामुळे त्या तारखेचा औचित्य साधून 26 मुला हिस्टॉरिकल अँड वेलफेअर सोसायटी औरंगाबाद के जानिब से औरंगाबाद के लिए मलिक अंबर के वाटर मैनेजमेंट सिस्टम पर एक मुबाहिसा सेशन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च सेंटर में मुनक्कद किया गया। हिस्टोरिकल एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद की जानिब से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रिसर्च सेंटर में मलिक अंबर के औरंगाबाद में किए गए पानी के इंतजाम के निज़ाम पर एक मुबाहिसे का इनेकाद किया गया।
इस मुबाहसे का अहतमाम इरफान फातिमा ने किया और इसमें आदित्य तिवारी, रमजान शेख, असलम मिर्जा, प्रदीप ने शिरकत की। देश पांडे, हमारी अताउर रहमान, रमेश वाग और दिगर ने खसूसी तौर पर शिरकत की। प्रत्याकारी 3 लाखापेक्षा कोणतंही शहर मोठं नव्हतं जगामध्ये, फक्त भारतातच नाही। म्हणजे हे शहर अतिशय भव्य होतं त्या काढता लक्षात। आणि मलिकंबरने जेव्हा शहर बसवलं तेव्हा शहराकरता पाणी ही आवश्यक बाब त्यांनी सोडवण्याचा प्रयत्न केला। रमदान सर, ॲडवोकेट अमरे सर, तिवारी साहेब आणि अपना मॅडम, बेसिकली रमदान सरांनी सगळं हिस्ट्रीबद्दल सगळं सांगितलेलं आहे आपल्याला। नहरीच्या संदर्भामध्ये नहर कधी झाल्या, कशा झाल्या, कुणी केल्या, आमचा जो रोल आहे त्याला आपल्याला जी काय सध्याची कंडिशन आहे त्याला कंजर्व कसं करायचं, त्याचं लाईफ कसं वाढवायचं, तर याच्यामध्ये आपण काय केलेलं होतं की रमजान सरांच्या अंतरमध्ये आम्ही 2013 साली आम्ही नहरे पांचकीचा, नहरे अंबरीचा सगळा हा सर्वे केला आहे। तो सर्वे करताना आम्ही काय केलेलं होतं की ती नहर कशी गेलेली आहे, शहरामधनं कशी गेलेली आहे, ती कुठून आलेली आहे, त्यात पाणी होतं नव्हतं, हे सगळं आम्ही तो सर्वे केलेला आहे। त्याच्यामध्ये बेसिकली तुम्हाला मी याच्यासाठी इथं दाखवतोय की पहिला प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आम्ही काय केला होता की सपोज आता ही पांचकी नहर आहे, तो असा एक आम्ही एक चार्ट तयार केला होता की त्याच्यामध्ये ती प्रत्येक काही पर्टिक्युलर डिस्टन्सवरती, कुठली 100 फूट असेल, कुठं 50 फूट असेल, त्या डिस्टन्सवरती मॅप होल आहे प्रत्येक नहरीला। आता ही नहर आहे म्हणजे काय आहे की त्याच्यामधनं पाणी जातं, तर मिनिमम 1.5 फूट हाईट ते मॅक्झिमम 18 फूट हाईट अशा आपल्याला हाईट्स मिळाल्या। आपण टोटल त्याच्यामधून आतमधून आपण टोटल त्याच्यामध्ये फिरून आलेलो आहे, आतमधली कंडिशन काय आहे, रुंदी किती होती, हाईट किती होती, हे सगळं आपण याच्यावरती रेकॉर्ड करून घेतलं आहे। तो आज डॉक्टर रमदान साहब, आर्किटेक्ट देशपांडे साहब, हम समझते हैं कि नागरिक होने के नाते और शहर के अच्छे नागरिक होने के नाते आपकी हर वक्त ये कोशिश रही है प्रशासन के साथ कि आप जो शहर के लिए, शहरवासियों के लिए उत्तम हो, और तथ्य की बात आपने शहर प्रशासन के सामने रखी। ये दुर्भाग्यवश है कि इस प्रक्रिया को इतना समय हमको लगा है, लेकिन मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहूँगा कि सन 1600 से जब मलिक अंबर साहब ने पहली बार खाम का रूप बदला और एक कृत्रिम खाम नदी का नया एक रूप बनाया, उसको आज की तारीख में हो रहे 442 साल, 422 years कंप्लीट आफ्टर मलिक अंबर कंस्ट्रक्टेड यू नो अ न्यू खाम। ये बताते हुए आप सभी को मुझे बहुत गर्व होता है कि एक जन आंदोलन के द्वारा श्री आस्तिक कुमार पांडे साहब, माननीय आयुक्त तथा प्रशासक एवं स्मार्ट सिटी के CEO, कैंटोनमेंट बोर्ड उसी तरह CSR के साथ मिलकर और मुख्यतः औरंगाबाद के नागरिकों के साथ मिलकर जो मलिक अंबर साहब ने 442 साल पहले किया था वो आज हम कर रहे हैं। इलाकाई दफातर के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मंगेश गोंदावले ने MSCDCL के 4 माजूर मुलाजमीन को एडेप्टो स्कूटर तकसीम किए। औरंगाबाद रीजनल ऑफिस के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर मंगेश गोंदावले ने MSCDCL के 4 माजूर मुलाजमीन को एडेप्टो स्कूटर तकसीम किए। MSCDCL ने माजूर मुलाजमीन की नकल व हमल में सहूलत फराहम करने के लिए मुवाफ़िकत पज़ीर स्कूटर फराहम करने का इंतज़ाम किया है। इसके मुताबिक डॉक्टर गोंदावले ने एडेप्टो स्कूटर की चाबियाँ City 2 Division के मुलाजमीन डॉक्टर संतोष केनारे, डॉक्टर बिंदु राठौर, विजय पवार और सिद्धार्थ बनकर के हवाले की। इस मौके पर औरंगाबाद सर्कल के चीफ इंजीनियर भुजंग खंडारे, औरंगाबाद सिटी सर्कल के सुपरिटेंडेंट प्रकाश, असिस्टेंट जनरल मैनेजर शिल्पा काबरा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेश पाटिल, डिप्टी मैनेजर संजय खाड़े, सुनील पाठक वगैरह मौजूद थे। चारों मुलाजमीन ने कंपनी की तरफ से फराहम करदा सहूलत पर
इत्मीनान का इजहार किया। रियासत में जहां सियासत हर रोज नया मोड़ ले रही है, वहीं औरंगाबाद में एक शख्स ने वज़ीर आला के ओहदे का मुतालबा किया, जबकि दूसरे ने सदर के ओहदे के लिए दरख्वास्त दाखिल की है। इस शख्स का नाम विशाल नांदरकर है। आज एडीएन ने इस शख्स से बात की। आज काल 23 जून रोजी मी अर्ज दाखिल केला आहे। तरी मी आता जे आमदार खासदार जे मतदार आहेत त्यांना सर्वांना भेटणार आहे। आता दिल्लीमध्ये सोमवारी अरविंद केजरीवालांना भेटणार आहे, कारण उमेदवार असल्याकारणाने मतदान मागण्यासाठी त्यांना जाणार आहे। देणं नाही देणं त्यांचं काम आहे, कारण की ते जेव्हा प्रथम निवडणूकमध्ये लढले होते त्यांच्या प्रचारासाठी मी दिल्ली येथे 20 दिवस होतो 2013 साली। आता महाराष्ट्रात जे राजकारण चालू आहे, जे एकनाथ शिंदेने जे मोठा भूकंप केला आहे, शिवसेनेत राहून सनी गांधी आमदाराला घेऊन गेले आहेत, त्यांच्याविषयीही अलग मी अलग अलग विषय ऐकतो आहे। ते मोबाईलमध्ये सध्या पाहिलो आहे मी, औरंगाबादचा रहिवासी असून दिल्लीमध्ये सध्या आहेत, पूर्ण न्यूज मला भेटत नाही, पण मोबाईलवर जेवढे अपडेट येत आहेत ते कळत आहे। तर त्यांनाही मी जाऊन भेटणार आहे, त्यांचे जे आता सर्व एकनाथ खडसे गट केलेला आहे त्यांनाही मी विनंती करणार आहे की मला पहिली पसंती किंवा दुसरी पसंती मतदान द्यावं म्हणून। त्याच्यानंतर अनेकांना आमचे औरंगाबादचा रहिवासी असल्याकारणाने सगळ्यात प्रथम प्राधान्य इम्तियाज जलील साहेब हे MMचे खासदार आहेत, त्याच्यानंतर मी केंद्रातील भागवत कराड साहेब आहे, असे 8-9 आमदार तिथं पण आहेत, त्यांनाही विनंती करणार आहे मतदान करा म्हणून। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने इतवार को एक शिखर परिषद का अहतमाम किया। इस मौके पर ली गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और मराठवाड़ा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के दरमियान मफाहमत की एक याददाश्त पर दस्तखत किए जा रहे हैं। मराठी हिंदी हिंदी आज संभाजनगर शहर में कंपनी सेक्रेटरीज की कॉन्फ्रेंस हुई है। ये कॉन्फ्रेंस रीजनल कॉन्फ्रेंस थी और इसी में संभाजनगर शहर में 160 जो कंपनी सेक्रेटरीज है उसी के साथ उनके चेयरमैन और वेस्टर्न साइड के चेयरमैन ऐसे दोनों लोग आए थे। कंपनी कैसा डेवलप होना, कंपनी का विकास कैसा होना, उसके साथ यहाँ और कंपनी क्या आ सकती है और देश में कंपनी सेक्रेटरी चार्टर अकाउंटेंट और टैक्स कंसल्टेंट का रोल है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ और ये अच्छी कॉन्फ्रेंस हो चुकी है। सर महाराष्ट्र के राष्ट्रीय CSI जो बड़ा एसोसिएशन एक कंपनी सेक्रेटरीज का, उनके WIRC की तरफ से आज यहाँ पर एक प्रोग्राम हुआ है एक दिन का, उसकी शुरुआत अभी हुई है और हमारे मिनिस्टर जो है ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भागवत कराड़ जी ने उसका ओपनिंग इनॉग्रेशन किया है। ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक हमारा कंपनी हमारे देश का जो एक सपना है कि हमारा इकोनॉमी 5 ट्रिलियन बनना है, उसके लिए हर आदमी ने हमारी ग्रोथ करनी है और वो ग्रोथ में CSE इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी क्रूशियल रोल और मेरे ख्याल से उनका इसका जो सहभाग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज ये जो उनका कार्यक्रम हो रहा है, मैं चाहता हूँ ऐसा कार्यक्रम वो हर जगह पर करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। आज औरंगाबाद ब्रांच में आया हूँ। हमारा इंस्टीट्यूट पूरे भारत में 72 ब्रांचेस से ऑपरेट करता है और 4 रीजनल ऑफिसेस से ऑपरेट करता है। आज मैं औरंगाबाद यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मैं आज यहाँ पे आके WIRC वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए और भागवत जी कराड़ जिसमें चीफ गेस्ट थे और श्रीकांत बड़वे जी जिसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे वो कॉन्फ्रेंस में लोगों से बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। यहाँ पर हमने मेम्बर्स के साथ बहुत अच्छा एक इंटरैक्टिव सेशन किया है जिससे हमने उनके जो भी इश्यूज़ क्वेश्चंस थे उसको आंसर देने की कोशिश की है और उनसे फीडबैक और सजेशन लेके भागवत जी कराड़ उन्होंने भी मुझे बहुत सारे सजेशंस दिए हैं, उसके बेसिस पे हम इंस्टीट्यूट में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज करने का प्रयास करेंगे। हमारा इंस्टीट्यूट इस साल पूरा सिलेबस चेंज कर रहा है, उसमें भी मेंबर्स और स्टूडेंट्स ने अच्छा हमें इनपुट दिया है और भी इनपुट देंगे और जिससे हमारा प्रोफेशन औरंगाबाद ही नहीं बट पूरे इंडिया में ये ग्रो करेगा और जिससे हमारा प्रोफेशनल्स को बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शिवसेना लीडर चंद्रकांत खैरे का बयान, शिवसेना फिर से होगी ताकतवर, शिवसेना की असल ताकत है शिवसैनिक। कारोबार में मियार जरूरी, कलेक्टर सुनील चौहान का बयान,
लोक राजा राजश्री छत्रपति शाहू महाराज जयंती का पुरजोश इनेकार। और सिल्लोर में शिंदे सेना की हिमायत में जबरदस्त रैली, कारकुनों में देखा गया जबरदस्त रद्द अमल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें, कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।